Hello student, today I am telling you what is consumer equilibrium. Consumer equilibrium is defined as a situation when he maximizes his satisfaction, spending his given income across the different goods which given price. It means ये होता है कि consumer equilibrium means वो situations होती है कि जहाँ consumer को जो भी उसकी एटलीस्ट बजट लाइन होती है और जो भी उसके सोर्सेज होते हैं, जो भी उसकी इनकम होती है, उस इनकम को वो टू डिफरेंट कमोडिटीज़ पर इस स्टाइल से एक्सपेंड करता है कि उसको जो है अपनी गिवन इनकम से जो है वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेवल जो अचीव होता है उसको हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के नाम से जो है जानते हैं। यहाँ इस ग्राफ में देखिए कि ये जो है आपकी इस स्टाइल की ये है कंज्यूमर की बजट लाइन। इट मीन्स इट इज़ द लेवल ऑफ कंज्यूमर इनकम। ये कंज्यूमर की इनकम को शो कर रहा है कि उसके पास मैक्सिमम इतने ही रिसोर्सेज हैं जिनको वो एक्स और वाई नाम की दो कमोडिटीज़ पर एक्सपेंड कर सकता है। एंड दिस इज़ इज आई सी कर्व, ये उसका आई सी कर्व है। तो जहाँ उसका आई सी कर्व उसकी बजट लाइन को टच करता है, वेयर द इक्विलिब्रियम पॉइंट, वही पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। यहाँ पर जो ये वाला पॉइंट है जहाँ से हम एरो लेकर के लिख रहे हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, तो ये पॉइंट कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम का है। वेयर हेयर द एयर इज आई सी कर्व टचेस बजट लाइन, क्योंकि इस पॉइंट्स पर उसके आई सी कर्व को उसकी बजट लाइन टच कर रही है। एंड इट इज डिनोटेड बाय आई सी टू, यहाँ पर कंज्यूमर जो है वो इक्विलिब्रियम में है। आई सी थ्री पर जो है वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं है, बिकॉज यहाँ रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट उसके पास ग्रेटर हो, उसकी इनकम हायर हो तो ही होगा, ये बजट लाइन के बाहर है। और आई सी जो वन है वो बजट लाइन के अंदर है। इट मीन्स हेयर अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, वो अपनी इनकम को जो है वो फुली यूटिलाइज्ड नहीं कर पा रहा है। इसलिए जो ये फर्स्ट जो है आई सी टू वाला और ये वाला जो पॉइंट है वही जो है वो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट शो हो रहा है। इस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को जो हम एक्सप्लेन करते हैं वो करते हैं इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व इज बेस्ड ऑन ऑर्डिनल अप्रोच ऑफ प्रोफेसर हिक्स, शोन वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज विच प्रोवाइड इक्वल सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर। ये जो है हिक्स की बेसिक कॉन्सेप्ट है। हेंस कर्व ड्राइव्ड बाय दीज इज नॉन एज इंडिफरेंस कर्व। तो द कंज्यूमर गेट न्यूट्रल्स इन रेस्पेक्ट ऑफ सेलेक्शन ऑफ दीज कॉम्बिनेशन ड्यू टू गेटिंग इक्वल सेटिस्फेक्शन। इसमें जो होता है वो कंज्यूमर जो होता है वो इंडिफरेंसा रहता है, न्यूट्रल सिचुएशंस में रहता है। एंड इंडिफरेंस कर्व इज अ कर्व विच रिप्रेजेंट ऑल दोज कॉम्बिनेशन ऑफ गुड विच गिव इन द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन टू कंज्यूमर। इंडिफरेंस कर्व वो होता है कि जिसके हर लेवल पर कंज्यूमर को जो सेटिस्फेक्शन मिलता है वो सेम होता है, चाहे वो कमोडिटीज़ के कॉम्बिनेशन सेट को जो है वो चेंज करता रहे, एक्स को ग्रेटर वाई को लोअर, वाई को ग्रेटर एक्स को लोअर, तो भी उसका जो सेटिस्फेक्शन लेवल रहेगा वो सेम रहेगा। और ये हिक्स ने अपनी अप्रोच के बिहाफ पे जो है वो एक्सप्लेन किया था। हेयर कॉम्बिनेशन है ए बी सी, ए बी सी डिफरेंट टाइप्स के कॉम्बिनेशन है। फर्स्ट एप्पल कंजम्पशन करता है, देन ऑरेंजेस करता है। एप्पल अगर लोअर थी तो ऑरेंज हाई था, और ऑरेंज अगर इंक्रीज एप्पल ऑरेंज अगर डिक्रीज होता तो एप्पल इंक्रीज हो जाता है। तो एप्पल की क्वांटिटी को इंक्रीज करने के लिए जो कंज्यूमर को है वो ऑरेंज की क्वांटिटी को डिक्रीज ही करना पड़ेगा। ये इकोनॉमिक्स का लो होता है, इसे हम MRS के नाम से जानते हैं। MRS जो होती है वो कंटिन्यूस डाउनफॉल होती है। फर्स्ट में थी 3:1, नेक्स्ट थी 2:1, देन 1:1, एंड लास्ट में 0 पे हो गया, 1:1 जो है वो उसका इंक्रीज हो गया। तो ये जो MRS था, इन दोनों के 10 और 7 के बीच का डिफरेंस 3 था, 7 और 2 के बीच का डिफरेंस 2 था, और 5 और 1 के बीच का जो डिफरेंस था वो 1 था। तो 3 कमोडिटीज़ जब उसने सेक्रीफाइस की ऑरेंज की तो 1 इंक्रीज होता है, फिर उससे 2 सेक्रीफाइस करता है तो 1 इंक्रीज होता है, फिर वो अगर 1 सेक्रीफाइस करता है तो नेक्स्ट यूनिट जो है वो एप्पल की इंक्रीज होती है। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशंस जो है यहाँ पर वो कंटिन्यूस डाउनफॉल में है। एक अगर हम कॉम्बिनेशन चार्ट प्रिपेयर करें ऑरेंज और एप्पल्स की कमोडिटी को, तो हमारा आई सी कर्व जो होगा वो इस स्टाइल्स का लिए हुए आएगा, और यहाँ पर बताएगा कि किस किस कॉम्बिनेशन सेट में वो दोनों टाइप्स की कमोडिटीज़ का कंजम्पशन किस स्टाइल से करता है। ये जो होता है फर्स्ट ग्रेटर था तो ये लोअर था, ये लोअर हुआ तो ये ग्रेटर हो गया, ये अगेन लोअर हुआ तो ये ग्रेटर हो गया, और ये लोअर हुआ तो ये ग्रेटर हो गया। ऐसा इसलिए होता है कि कंज्यूमर के पास इतनी इनकम नहीं होती है कि वो दोनों कमोडिटी के कंजम्पशन को इंक्रीज कर सके, इसलिए उसको एक को इंक्रीज करने के लिए दूसरे को डिक्रीज करना ही पड़ता है। Assumptions of
आईसी एनालिसिस कि रियल में आईसी एनालिसिस की क्या अजम्पशंस है. प्राइस ऑफ गुड्स आर कांस्टेंट, यहाँ मान लिया गया है कि जो कमोडिटीज के प्राइस थे अजम्पशंस ऑफ आईसी, प्राइस ऑफ गुड्स आर कांस्टेंट. आईसी कर्व को एक्सप्लेन करने के लिए माना जाता है कि इसमें जो बहुत कमोडिटीज़ होती हैं उनके जो प्राइस होते हैं रिलेटिवली वो प्राइस बिल्कुल कांस्टेंट रहते हैं. प्राइस में आपके ए बी सी डी किसी भी कॉम्बिनेशन सेट में किसी भी स्टाइल का कोई चेंजेस नहीं आता है. मनी ऑफ इनकम आर गिवन डज नॉट चेंज, जो मनी होती है कंज्यूमर की एटलीस्ट वो भी बिल्कुल सेम रहती है, वो भी कांस्टेंट रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है. कंज्यूमर स्पेंड इज इनकम इन ओनली टू कमोडिटीज विच आर सब्सटीट्यूट टू ईच अदर. कंज्यूमर जिन कमोडिटी को परचेज करता है वो एक दूसरे के सब्सटीट्यूशंस में होती है, एक दूसरे की प्रॉपर सब्सटीट्यूट होती है. टी कॉफ़ी है, क्लॉथ है, ग्रेन्स है, फूड ग्रेन्स है, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, ये दोनों कमोडिटीज़ एक दूसरे का सब्सटीट्यूशंस होना जरूरी है. मोर ऑफ गुड्स Always giving more satisfaction of consumer, उसको हम बोलते हैं monotonic preference, कि आप जिस commodity का highest consumption करोगे वो आपको highest level का जो है satisfaction देंगी. Perfect competition जो है market में वो चल रहा है और consumer जो है वो उसका behave rational है. आई सी इंडिफरेंस कर्व स्लॉप्स डाउनवर्ड, इंडिफरेंस कर्व का जो स्लॉप्स होता है वो लेफ्ट टू राइट होता है, वो डाउनवर्ड होता है, उसको हम नेगेटिव स्लॉप्स के नाम से भी जानते हैं. इट इज़ ड्यू टू MRS कि एक की हायर और एक की लोअर और एक की लोअर और दूसरे की हायर जो क्वांटिटी का कंजम्पशन है तो इसका जो है कॉन्वेक्स टू द ओरिजन या स्लॉप डाउनवर्ड या लेफ्ट वर्ड राइट वर्ड शिफ्टिंग, आप इसको किसी भी नाम से जान सकते हो. इसका जो शेप होगा इसका वो इसी स्टाइल से होगा. आईसी इंडिफरेंस कर कॉन्वेक्स टू द ओरिजन, इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स टू द ओरिजन पॉइंट. इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजन बिकॉज मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन टेंड्स टू डेक्लाइन. इट मीन्स ये होता है कि जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन होती है वो जो होती है वो कंटिन्यूस डाउनफॉल होती है. एज ए कंज्यूमर हैज़ मोर एंड मोर यूनिट ऑफ फूड ही प्रिपेयर टू फोर गो लेस एंड लेस यूनिट फॉर क्लॉथिंग, कि सपोज कीजिए वो फूड्स की कुछ इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स टू द ओरिजन. इंडिफरेंस कर्व जो होता है हैज़ रिलेटिवली शार्प स्लॉप एट द बॉटम, राइट पार्ट ऑफ द मिल्ड स्लॉप एंड रिलेटिवली फ्लैट. कॉन्वेक्स स्लॉप्स ऑफ द इंडिफरेंस कर्व इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशंस. ये जो इसका जो स्लॉप्स होता है वो कॉन्वेक्स शेप होने की जो मेन जो बेसिक वजह होती है वो होती है MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशंस. और मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशंस जो होती है वो कंटिन्यूस डाउनफॉल में होती है. MRS रेफर टू द रेट एट विच कंज्यूमर विलिंग टू सेक्रीफाइस द गुड एक्स फॉर वाई. इसमें जो कंज्यूमर होता है वो गुड एक्स गुड जो होता है वाई उसको सेक्रीफाइस करता है गुड्स एक्स की क्वांटिटी को इंक्रीज करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल एज ए कंज्यूमर हैज़ मोर एंड मोर यूनिट ऑफ फूड ही हैज़ प्रिपेयर टू फोर गो लेस एंड लेस यूनिट फॉर क्लॉथिंग, कि अगर उसके पास फूड की कुछ यूनिट्स एक्सेस में हैं तो वह क्लॉथ के लिए जो सेक्रीफाइस करेगा वो लोअर एंड लोअर करेगा. दिस हैपन मेनली बिकॉज वॉट फॉर द पर्टिकुलर गुड्स स्टेबल एंड पर्सनस मोर एंड मोर गुड्स इज इंटेंसिटी ऑफ वॉन्ट्स गुड्स एज गोज डिमिनिशिंग, कि ये ऐसा इसलिए होता है कि फर्स्ट आपने जैसे इस जो पहले वाली स्लाइड्स थी उसमें आपने एक कमोडिटी को हायर किया और दूसरी को आपने लोअर किया, तो पहली के लिए जो आपकी इंटेंसिटी ऑफ वॉन्ट थी वो मैक्सिमम से जो है कंजम्पशंस की वजह से सेटिस्फाई हो सकती थी, तो फर्स्ट टाइम आप उसको जो है वो हायर क्वान्टिटी में जो है वो सेक्रीफाइस करने को तैयार होते हो और नेक्स्ट यूनिट को कंज्यूम करते हो. जैसे ही आप उस नेक्स्ट यूनिट को कंज्यूम करते हो आपकी वॉन्ट्स ऑफ इंटेंसिटी थी वो कुछ सेटिस्फाई हो जाती है और अब आपकी डिज़ायरनेस जो होती है वो लोअर हो जाती है और अब आप जो सेक्रीफाइस करना चाहते हो नेक्स्ट स्टेप पर वो जो आपको सेक्रीफाइस करने की रेट होती है वो डाउनवर्ड जो चली जाती है. इसलिए डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन कॉन्वेक्स लॉस ऑफ आईसी. ये होता है कॉम्बिनेशन है आपके ए बी सी डी, ये आपकी फूड की है और ये क्लॉथिंग की रिक्वायरमेंट है. अब इस स्टाइल से जो हम देखेंगे कि 12 क्लॉथिंग पर जो होता है वो 1 ही होता है, 6 पर जो है वो 2 होता है
और फोर पर जो है वो आपका थ्री होता है और ये जो टू होता है। हम एक को जब हम एक को कंटिन्यूस डाउनवर्ड करते हैं तो इसको हम कंटिन्यूस जो इंक्रीज़ करना चाहते हैं, बट हमारे जो ये इंक्रीमेंट की जो रेट होती है, आपको जो ये स्लॉप्स दिखेगा वो इस स्टाइल से होगा कि ग्रेटर चेंजेस हैं और ये जो डिफरेंस होगा ये कंटिन्यूस जो है वो लोअर टू लोअर होता जाएगा, तो इट इज़ नॉन एज चेंजेस। और ये जो चेंजेस हो रहा है उस कंटिन्यूस उस चेंजेस की उसको देखेंगे हम कि कंटिन्यूस डाउनफॉल हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस थी वो कम थी अब और कम है और अब बिल्कुल कम है। और ये है हमारी MRS जो है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, पहले 6 फिर 2 और फिर 1 ही हो जाती है। नेक्स्ट यूनिट के लिए 6 सेक्रीफाइस करते हैं तो एक यूनिट इंक्रीज होती है, 2 सेक्रीफाइस करते हैं तो एक होती है और 1 सेक्रीफाइस करते हैं तो नेक्स्ट 1 होती है। हायर इंडिफरेंस कर्व, हायर इंडिफरेंस कर्व जो है प्रेजेंट फॉर हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। देयर आर डिफरेंट टू टाइप्स ऑफ IC कर्व, आपका जो है वो कंजम्पशन जो है वो कांस्टेंट है, क्वांटिटी जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की है, बट हायर लेवल पर जो होगा सेटिस्फेक्शन लेवल वो हायर होगा और लोअर लेवल पर जो है वो लोअर सेटिस्फेक्शन होगा। मोर ऑफ आइदर वन और बोथ गुड्स मोर आर प्रेफर लेस देम्स, कि उसके लिए जो होता है जो फर्स्ट आपका IC है वो लोअर सेटिस्फेक्शन को शो कर रहा है और सेकंड IC जो है उसी बजट में आप हायर क्वांटिटी को कंज्यूम कर पा रहे हो तो वो आपके हायर सेटिस्फेक्शन लेवल को करता है। तो ये IC के करेक्टरिस्टिक्स है कि हायर IC शो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स होती है कि इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, किसी भी स्टाइल का कोई भी IC कर्व जो होगा वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, बिकॉज हायर एंड लोअर लेवल कैन नॉट बी इक्वल टू ईच अदर, कि किसी IC का हायर लेवल और किसी का लोअर लेवल, ये IC आपका लोअर है और ये IC हायर है, तो यहाँ आपका सेटिस्फेक्शन इक्वल नहीं हो सकता इस पॉइंट्स पे। हायर का लोअर का जो है वो सेटिस्फेक्शन लोअर ही होगा और हायर IC का हमेशा हायर IC होगा। सो एक बेसिक करेक्टरिस्टिक्स हो गई कि ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए नहीं जाते हैं। नेक्स्ट है इंडिफरेंस कर्व डज नॉट टच एनी एक्सिस, ये किसी एक्सिस को भी टच नहीं करते हैं। एक्सिस को टच करने का मतलब होता है कि आप यहाँ किसी कमोडिटी को ज़ीरो लेवल पर कंजम्पशन कर रहे हैं, किसी न किसी का जो कंजम्पशन है वो ज़ीरो होता है, तो यहाँ ज़ीरो जो होता है वो कंजम्पशन नहीं होता, हम किसी न किसी यूनिट को कंज्यूम कर ही रहे होते हैं स्टार्टिंग से। तो ये जो होता है टचिंग जो होती है एक्सिस को जा कर के, ना तो वाई एक्सिस को टच किया जाएगा ना एक्स एक्सिस को जो है वो टच किया जाएगा। IC की ये बेसिक करेक्टरिस्टिक्स होती है कि ये जो होते हैं वो किसी एक्सिस को जो है वो टच जो है वो बिल्कुल नहीं करते हैं। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट द कंज्यूमर कमोडिटी एक्सपेक्ट्स कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज, हेंस इफ द कर्व टचेज ऑफ एनी टू एक्सिस इट विल मीन्स दैट द कंज्यूमर हैज डिजायर फॉर वेरी हाई क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी एंड वॉन्ट्स टू जीरो ऑफ अनदर। इट मीन्स कि एक को वो बहुत ज़्यादा हायर कंज्यूम कर रहा है और दूसरी को वो ज़ीरो कंज्यूम कर रहा है, तो ये जो होता है वो पॉसिबल नहीं होता है। इंडिफरेंस मैप इज रेफर टू ए सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व, हायर IC शो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन एंड लोअर IC शो लोअर लेवल ऑफ कॉम्बिनेशन सेट्स। तो यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, 6 का जो कंजम्पशन है वो सबसे हाइएस्ट होगा, बट इट इज़ टोटली डिपेंड अपॉन द इनकम ऑफ कंज्यूमर। हायर IC के लिए हायर रिसोर्सेज चाहिए और लोअर IC के लिए लोअर रिसोर्सेज चाहिए। हियर वी कैन शो द इनकम इफेक्ट इन अबव एनालिसिस द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, इट वॉज एज्यूम दैट द इनकम ऑफ कंज्यूमर रिमेन कॉन्स्टेंट, इसमें हमारे कंज्यूमर की इनकम को कॉन्स्टेंट मान लिया जाता है, एंड द गिविन प्राइजेज ऑफ द गुड्स एक्स एंड वाई of given taste and preference of consumer and price of two commodities and income of consumer change, the effect will have to purchase the is known as the income effect.